हाँ जी, राम राम सभी को। हेलो हाय, कैसे हो आप सभी। ऑनलाइन इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि जॉब से जुड़ी जानकारी आप तक ज़रूर पहुंच सके। आज बात करते हैं, अगस्त अंत या सितंबर में होगी 10वीं 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाएँ। हाँ जी, जिस बच्चों की कंपार्टमेंट आई हुई है 10वीं और 12वीं के अंदर, उन बच्चों की कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम अगस्त या सितंबर में होंगे। ये आज की बड़ी अपडेट है पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से। इसकी पूरी जानकारी आपको बता देते हैं। पंजाब स्कूल की शिक्षा बोर्ड ने 10वीं व 12वीं की रीअपियर कंपार्टमेंट व आंतरिक परीक्षा देने के फॉर्म व फीस भरने संबंधी शेड्यूल वीरवार को जारी किया। परीक्षा कंट्रोलर जनक राज महरोक ने बताया कि ये परीक्षाएं अगस्त के अंत या सितंबर में करवाने की योजना है। जो भाई परीक्षा कंट्रोलर जनक है राज महरोक, उन्होंने बताया है कि परीक्षा अगस्त के अंत या सितंबर में करवाने की पूरी तैयारियां चल रही है। उन्होंने बताया कि परीक्षा फीस 10वीं के लिए 1,050 रुपये व 12वीं की के लिए 1,350 रुपये प्रति परीक्षार्थी तय की गई है। 30 जुलाई तक बिना लेट फीस दाखिला फार्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। परीक्षार्थी परीक्षा फीस भरने के बाद फार्म अपने जिले के क्षेत्रीय दफ्तर में 8 अगस्त 2022 तक जमा करवा सकते हैं। जो भाई 10वीं की फीस है रीपियर की या कंपार्टमेंट की, वो है 1,050 रुपये है। और प्लस टू की फीस है वो 1,350 रुपये कंपार्टमेंट की फीस। और बिना लेट फीस भरे आप ये फार्म आप 30 जुलाई तक भर सकते हो। 30 जुलाई के बाद लेट फीस शुरू हो जाएगी। इसको आप 8 अगस्त से पहले पहले जिले के क्षेत्रीय दफ्तर में जमा करवा सकते हो। PSEB ने परीक्षार्थियों के लिए दाखिला फार्म व फीस भरने का शेड्यूल किया जारी। लेट फीस के साथ 18 अगस्त तक भरे जाएंगे फार्म। भई आप लेट फीस से पहले पहले फार्म भर लो, 18 तारीख लेट फीस की लास्ट तारीख है। और बिना लेट फीस की लास्ट तारीख है जो 30 जुलाई है। आखिरी तिथि निकलने के बाद प्रति परीक्षार्थी 1,000 रुपये लेट फीस के साथ 9 अगस्त तक ऑनलाइन फीस जमा करवाई जा सकेगी। भई आप अगर लेट फीस के साथ फार्म भरते हो तो 9 अगस्त तक ये फीस जमा करवाई जाएगी। आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, 30 जुलाई तक तो बिना लेट फीस के फार्म भरे जाएंगे और 9 अगस्त तक लेट फीस के साथ फार्म भरे जाएंगे। इसके बाद 16 अगस्त तक परीक्षार्थी अपने फार्म क्षेत्रीय दफ्तर में जमा करवा सकेंगे। इसके बाद 2,000 रुपये लेट फीस के साथ 18 अगस्त तक ऑनलाइन फीस जमा करवाई जा सकेगी। भाई अगर आप 9 अगस्त तक फीस भरते हो तो आपकी 1,000 रुपये लेट फीस लगेगी। अगर आप 18 अगस्त तक भरते हो फार्म तो आपकी 2,000 रुपये लेट फीस लगेगी। आप बिना लेट फीस भरे फार्म 30 जुलाई तक भर लो भाई सभी बच्चे। फीस भरने के बाद 24 अगस्त तक क्षेत्रीय दफ्तर में परीक्षार्थी परीक्षा फार्म जमा करवाने होंगे। जो परीक्षार्थी लेट फीस के साथ फार्म भरेगा वो अपने जिले दफ्तर में 24 अगस्त तक अपना जो फार्म है जमा करवा सकता है। ये जानकारी आप सभी को देनी थी। ये अपडेट थी आप सभी के लिए कि 10वीं और 12वीं का जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई हुई है, वो भी बच्चे फार्म जल्दी से जल्दी अपना फार्म भर लें। ये जानकारी आप सभी को देनी थी। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास ज़रूर पहुँच सके। हम जॉब से जुड़ी जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर लेके आते हैं। थैंक यू।